अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह, वहाँ हमारा एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, BHU के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और बाकी भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़, मतलब कि भारतीय शहरों के उपनाम हिंदी में कहे तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चंस जरूर ही पूछ लिए जाते हैं। काइंडली वॉच दिस वीडियो फुल एंड शेयर इट टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्रिप्शन आइकन एंड देन द बेल सो दैट यू कुंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते रहिए। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका निकनेम क्या क्या है? तो सिटी ऑफ ताज और पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है आगरा को। अहमदाबाद जो कि गुजरात की राजधानी है, इसे बोस्टन ऑफ इंडिया बोला जाता है और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। यह गुजरात की राजधानी है, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे कॉटन का बहुत ज़्यादा उत्पादन है। अलाहाबाद और प्रयागराज अब नया नाम हो चुका है, तो इसे कहते हैं एबोड ऑफ द गॉड, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, संगम सिटी, तीन नामों से जाना जाता है अलाहाबाद को, यानी कि प्रयागराज को। अमृतसर को कहते हैं गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, जो कि पंजाब में है। इसके बाद है आसनसोल, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और इसे कहा जाता है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, मतलब कोयले की नगरी, राइट। बेंगलुरु या बेंगलोर, जो कि कर्नाटका की राजधानी है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, IT कैपिटल ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं भैया सिलिकन वैली? क्योंकि यहाँ पे सिलिकन वैली अमेरिका में क्या करता है, अमेरिका में सिलिकन वैली जो है वो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है वो, और इसी तरीके से बेंगलुरु भी इंडिया का हब है। साइंस सिटी, इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस वहीं पे है, दैट इज़ व्हाई इट कॉल्ड स्पेस सिटी एज वेल। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, गार्डन सिटी, IT कैपिटल, साइंस सिटी, सिलिकॉन सिटी, स्पेस सिटी, दीज आर 5 नेम्स गिवन टू बेंगलुरु। नेक्स्ट वन इज़ भागलपुर, बिहार में है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, सिल्क का बहुत बढ़िया उत्पादन है यहाँ पे। इसके बाद भोपाल आता है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। देन इट कम्स टू इंदौर, इंदौर भी मध्य प्रदेश में है, इसे मिनी मुंबई कहा जाता है। ऑलराइट, और सलमान खान यहीं के रहने वाले हैं ओरिजिनली, आपको मैं बता दूं, ठीक है। भीमावरम है आंध्र प्रदेश में, इसे सिटी ऑफ प्रॉन्स, केकड़ों का शहर, और सेकेंड बारदोली ऑफ इंडिया कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह आपको पता होगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज रिलेटेड टू दैट प्लेस, सेकेंड बारदोली इज कॉल्ड भीमावरम। नेक्स्ट वन इज भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, इसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भुवनेश्वर इज कॉल्ड टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, ओके, उड़ीसा की कैपिटल है। चंडीगढ़ इज कॉल्ड द सिटी ब्यूटीफुल एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट प्लांट सिटी विच वॉज डिजाइंड बाय ले कार्बोजर द फ्रेंच आर्किटेक्ट। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी है। चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है, इसे क्या क्या कहते हैं? ऑटो हब ऑफ इंडिया। इसके बाद डेट्रॉइट ऑफ एशिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, मोटर सिटी ऑफ इंडिया। चेन्नई के पास कितने नाम हैं? 336, ऑटो हब ऑफ इंडिया, डेट्रॉइट ऑफ एशिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, देन हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मोटर सिटी ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट वन इज कोयम्बटूर, कोयम्बटूर भी तमिलनाडु में है, ऑलराइट, कोची से पास है, बेंगलुरु से भी पास है, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कैपिटल ऑफ कोंगुनाडु, इंजीनियरिंग सिटी ऑफ इंडिया, और ये कोयम्बटूर के जस्ट काफ़ी नज़दीक है एक जगह ऊटी, जो कि हिल स्टेशन है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, कभी मौका मिले तो घूमने जाया कीजिए यहाँ पे। कुर्ग कहाँ है? कुर्ग है भैया कर्नाटका में, इसे कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, ऑलराइट। दार्जिलिंग को कहते हैं क्वीन ऑफ हिल्स और इट इज़ लोकेटेड देयर इन वेस्ट बंगाल, वन ऑफ द हिल स्टेशन, अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन दार्जिलिंग, जहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है। देन कम धनबाद को कहते हैं द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ देयर इन झारखंड। शिलोंग, जो कि मेघालय की राजधानी है, और इसे कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, शिलोंग को कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। डिब्रूगढ़, जो कि आसाम में है, ऑलराइट, डिब्रूगढ़, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भी है, और इसे कहते हैं टी सिटी ऑफ इंडिया, टी का उत्पादन बहुत ज़्यादा है डिब्रूगढ़ में आसाम के। देन इट कम्स दुर्गापुर इज देयर इन वेस्ट बंगाल, इट इज़ कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया, ऑलराइट। गांधीनगर अगेन इन गुजरात, इट इज़ कॉल्ड ग्रीन सिटी, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। गुंटूर इज देयर इन आंध्र प्रदेश एंड गुंटूर इज द सिटी ऑफ चिलीज, मिर्चों का शहर, सिटी ऑफ स्पाइसेस, मसालों का शहर, गुंटूर आंध्र प्रदेश। देन इट कम्स गुवाहाटी इज देयर इन आसाम, इट इज़ कॉल्ड गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
देन इट कम्स नीलगिरी, नीलगिरी को क्या कहते हैं तमिलनाडु में है इसे कहते हैं ब्लू माउंटेंस, नीलगिरी ब्लू माउंटेंस, ठीक है ना। और ऊटी जो मैंने बताया आपको उस ऊटी हिल स्टेशन है और दोदा बेटा पर्वत श्रृंखला पे बसा है, ये ब्लू माउंटेंस नीलगिरी की पहाड़ियों का ही हिस्सा है। दोदा बेटा द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी, इसे क्या क्या कहते हैं सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर, सिटी ऑफ निज़ाम्स एंड हाईटेक सिटी, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी, बिरयानी बहुत फेमस है यहाँ की ज़बरदस्त। देन इट इज़ कॉल्ड बैंगल सिटी टू, चूड़ी का शहर भी कहा जाता है हैदराबाद को। हैदराबाद सिकंदराबाद को कहते हैं जुड़वा नगर, ऑलराइट ट्विन सिटी। देन इट कम्स जयपुर, जयपुर को कहते हैं सिटी ऑफ पैलेसेस, महलों का शहर, ओके। देन इट कम्स पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर। देन पिंक सिटी राजस्थान की राजधानी है, बहुत ही खूबसूरत, ऑलराइट एनएच 8 पे बसा है। जैसलमेर, जैसलमेर जो है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, राजस्थान का शहर है जैसलमेर, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं इसे। जमशेदपुर जो कि झारखंड में है आपको पता होगा, इसे कहते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे टिस्को जैसे इंस्टीट्यूट है, टिस्को है, टेल्को है, एल्युमिनियम स्टील सबके बड़े 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 प्लांट हैं। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी टू जमशेदपुर देयर इन झारखंड। नेक्स्ट वन इज जोधपुर जो कि राजस्थान में है, इसे कहते हैं ब्लू सिटी एंड सन सिटी। नेट काकीनाड़ा, काकीनाड़ा इज देयर इन आंध्र प्रदेश, सिटी ऑफ काजा एंड पेंशनर्स पैराडाइज कहते हैं काकीनाड़ा को। कानपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, गंगा के किनारे बसा ये शहर। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड मैनचेस्टर, नॉर्थ मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, किसे कहते हैं कानपुर को। कश्मीर, कश्मीर को कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। कोची, कोची है आपकी केरला में, और इसे क्या क्या कहते हैं, दो तीन नाम है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। गेटवे टू केरला, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है कोचीन को, और गार्डन ऑफ स्पाइसेस, मसालों का बगीचा भी कहते हैं कोचीन को, ऑलराइट। देन इट कम्स कोलकाता, कोलकाता को काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर, सिटी ऑफ पैलेसेस, महलों का शहर, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, हैबन ऑफ ईस्ट, सिटी ऑफ कैसल्स एंड सिटी ऑफ बिल्डिंग्स कोलकाता। हालांकि आपको बता दूं कि कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बेसिकली ये बनारस है, बट ये निकनेम दिया गया है कोल्हापुर को, कोल्हापुर बोल रहा हूँ, कोलकाता को। कोल्हापुर इज देयर इन महाराष्ट्र, इट इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ रेसलर्स कोल्हापुर। कोलम, कोलम इन देयर इन केरला एंड कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कैश्यू मीन्स काजू, काजू का उत्पादन होता है काफ़ी सारा यहाँ पे। देन गेटवे टू बैक वाटर्स, कोलम में एंड प्रिंस ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी कोचीन को कहते हैं, तो अरब सागर का राजा भी है एक जिसको कोलम कहते हैं, राइट। नाउ इट कम्स लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और नवाबों का शहर कहते हैं इसे, कॉन्स्टेंटिपोल ऑफ ईस्ट कहते हैं, सिराज ए हिंद कहते हैं, एंड द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया टू। मदुरै जो कि तमिलनाडु में है, एथेंस ऑफ द ईस्ट, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, सिटी ऑफ फोर जंक्शंस, स्लीपलेस सिटी, टेंपल सिटी। मालदा, मालदा को कहते हैं मैंगो सिटी, वेस्ट बंगाल में है मालदा, मालदा टाउन। नेक्स्ट वन इज मैंगलोर, मैंगलोर क्या है भैया, क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, गेटवे ऑफ कर्नाटका एंड रोम ऑफ द ईस्ट, कर्नाटका को कहते हैं। देन का मुंबई, मुंबई को क्या कहते हैं आपको मैं बता दूं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है ये, सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, हॉलीवुड ऑफ इंडिया, मैक्सिमम सिटी एंड माया नगरी मुंबई। देन मंडी, मध्य प्रदेश, मंडी नहीं है मुंडी है, राइट। पावर हब सिटी मसूरी, मसूरी इज देयर इन उत्तराखंड, देहरादून से थोड़ा सा ऊपर है 35 किलोमीटर की दूरी पर। क्वीन ऑफ द माउंटेन्स एंड हिल क्वीन सिटी, उत्तराखंड मसूरी। मैसूर, मैसूर को कहते हैं ग्रीन सिटी, हेरिटेज सिटी, सैंडलवुड सिटी, कर्नाटका में है ये, बेंगलुरु से लगभग 3 घंटे की दूरी पर, 3-4 घंटे की दूरी पर। नागपुर ऑरेंज सिटी है महाराष्ट्र में, नागपुर को ऑरेंज सिटी कहते हैं, संतरों का शहर। नैनीताल सिटी ऑफ लेक्स, उत्तराखंड। नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे है महाराष्ट्र में है, कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया कहते हैं इसे, ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, एंड वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, काफ़ी सारी शराबें बनाई जाती है नासिक में। न्यू दिल्ली आपकी सिटी ऑफ रैलीज है, क्योंकि हिंदुस्तान का कैपिटल है तो यहाँ बहुत सारी रैली होती रहती है यूजुअली। पटियाला, पटियाला क्या है भैया, रॉयल सिटी है पंजाब में। पानीपत सिटी ऑफ हैंडलूम, सिटी ऑफ वीवर्स, हरियाणा पानीपत। दिस इज पलनपुर, पलनपुर देयर इन गुजरात, सिटी ऑफ डायमंड्स एंड फ्लावर सिटी के नाम से जानते हैं। पौंडीचेरी इज पेरिस ऑफ द ईस्ट,
पौंडीचेरी में है, केंद्र शासित प्रदेश है ये। प्रयाग इज देयर इन उत्तर प्रदेश एंड अबोड ऑफ द गॉड। पुणे इज क्वीन ऑफ डेक्कन, ठीक है ना, डेक्कन क्वीन इज पुणे। दिस इज पुरलिया इन वेस्ट बंगाल, दिस इज कॉल्ड मनभूम सिटी। देन इज कॉल्ड राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, कल्चरल सिटी कहते हैं राजमुंद्री को। आपको ये भी इससे फायदा ये भी हो जाएगा कि कोई सिटी का नाम दे दिएगा, पूछ लिया कौन से स्टेट का है तो आपने बता देना है, अब निकनेम भी आ जाएगा तो भी बता देंगे आप। उत्तराखंड में ऋषिकेश है, ऋषिकेश को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ सेजेस, योगा सिटी भी कहते हैं ऋषिकेश को। बड़ा ही सुंदर राम झूला लक्ष्मण झूला, आप कभी जाएं तो बड़ा मजा आएगा यहाँ पे, राफ्टिंग जैसी व्यवस्था है यहाँ पे ऋषिकेश में। वंडरफुल प्लेस टू विजिट, इफ़ यू गेट द टाइम काइंडली विजिट दैट प्लेस टू। सिलीगुड़ी इज देयर इन वेस्ट बंगाल, सिटी ऑफ हॉस्पिटलिटी, देन इट कम्स गेटवे टू द डोर्स। श्रीनगर इज देयर इन जम्मू कश्मीर, सिटी ऑफ लेक्स और झेलम नदी के किनारे बसा ये शहर श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है और स्वर्ग भी कहते हैं इसे, भारत का रादर स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं इसे श्रीनगर को। सूरत जो कि गुजरात में है, सिटी ऑफ डायमंड्स, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया सूरत को जानते हैं। तेजपुर जो कि आसाम में है, सिटी ऑफ ब्लड, खून का शहर कहा जाता है इसे तेजपुर को। थाने जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई से थोड़ी दूरी पर, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। तिरुचिरापल्ली इज देयर इन तमिलनाडु, एनर्जी इक्विपमेंट ऑफ फैब्रिकेशन कैपिटल एंड रॉक फोर्ट सिटी। देन इट कॉल तिरुनेवेली, ये कहाँ है भैया, तमिलनाडु में है, और सिटी ऑफ पैडीफिल्स एंड हलवा सिटी ऑफ इंडिया, तिरुनेवेली एंड ऑक्सफोर्ड सिटी ऑफ साउथ इंडिया। उदयपुर जो कि राजस्थान में है, ये है सिटी ऑफ लेक्स, वेनिस ऑफ द ईस्ट एंड वाइट सिटी टू। देन इट कम्स वडोदरा, गुजरात में है, बैनियन सिटी, कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया, सयाली नगरी, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गरबा, वडोदरा। गरबा नृत्य जानते होंगे आप। ओके, नेक्स्ट वन इज बनियामबाड़ी, लेदर सिटी ऑफ साउथ इंडिया, इट इज़ देयर इन तमिलनाडु। अब आ गया बनारस और काशी, ये उत्तर प्रदेश में है, और इसे क्या क्या कहते हैं देख लीजिए, सिटी ऑफ लाइट्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ लर्निंग, हॉली सिटी, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑन अर्थ, रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये सारे निकनेम हैं बनारस के, और यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर आ जाएंगे, चूँकि आप BHU का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, और बनारस से रिलेटेड सवाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। विजयवाड़ा इज देयर इन आंध्र प्रदेश, द प्लेस ऑफ विक्ट्री। विशाखापट्टनम देयर इज सिटी ऑफ डेस्टिनी आंध्र प्रदेश। वारंगल तेलंगाना, सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ सेकेंड सिटी ऑफ निज़ाम। देन नागालैंड लैंड ऑफ वॉरियर्स। तेनाली इज देयर इन आंध्र प्रदेश, और दिस इज आंध्र का पेरिस भी कहते हैं तेनाली को। मुजफ्फरपुर देयर इन बिहार, इसे लीची सिटी कहते हैं। बारदोली कहाँ है भैया, गुजरात में, इसे बटर सिटी कहते हैं। गुड़गांव इज देयर इन हरियाणा, और इसे मिलेनियम सिटी कहते हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश में है, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया एंड सीजर सिटी कहते हैं। ऑरोविल ये है पुडुचेरी में, पौंडीचेरी में, सिटी ऑफ डान। ओके, देन कटक उड़ीसा में है, सिल्वर सिटी। देन सलेम को कहते हैं मैंगो सिटी, तमिलनाडु में है। एंड ये तिरुचिरापल्ली को कहते हैं रॉक फोर्ट सिटी, एनर्जी तमिलनाडु, फैब्रिकेशन कैपिटल। नीलगिरी को कहते हैं ब्लू माउंटेंस। नोएडा को कहते हैं IT कैपिटल ऑफ NCR। शिमला को कहते हैं द क्वीन ऑफ हिल्स। लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ पंजाब, सिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, होम ऑफ साइकिल्स। लुधियाना में साइकिल के बड़ी सारी फैक्ट्रीज हैं। देन इट इज़ कॉल्ड तिरुपति, जो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में है और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया है ये। एंड देयर आफ्टर इट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश टू। नालंदा लैंड ऑफ नॉलेज, जहाँ की विश्वविद्यालय था आपको पता ही होगा। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, पावर हब ऑफ इंडिया। जबलपुर, भिलाई, कन्नूर, कोटियम, देन थिसूर इज देयर इन केरला, और इसे कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला कहते हैं। लैंड ऑफ पुरांस कहते हैं, द लैंड ऑफ गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, से कहते हैं गॉड्स ओन सिटी। और आपको मैं बता दूं कि केरला को जो है ना, केरला को कहते हैं भगवानों का स्टेट कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने इसे बसाया था, इस शहर को, शहर मीन्स स्टेट को। और उसका आकार जो है फरसे के आकार का है, ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने गुस्से में आकर अपना फरसा समुद्र में फेंक दिया था, तो वहाँ का पानी सब कुछ सूख गया था, और वहाँ पे आज जो स्टेट है वो केरला बन के खड़ा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो यंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, काइंडली शेयर इट टू मैक्सिमम एक्सटेंट।
अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब